हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड का जो पहला प्रकार है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बच्चों हमने एक्सप्लेन किया। हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक लिया था फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल और दूसरा लिया था फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। तो बच्चों अब आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मालूम है, कोवेलेंसी की डेफिनेशन भी मालूम है, बराबर है। क्या होंगी कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू आइटम्स इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड के तीन प्रकार होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कल हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की भी डेफिनेशन देखी थी। क्या डेफिनेशन है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम विथ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनादर एटम इज कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड वी नाउ नो दैट इट इज नोटेड बाय अ सिंगल डैश बिटवीन द टू एटम्स। फिर हमने कोवेलेंसी की डेफिनेशन भी देखी थी। क्या है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन शेयर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन शेयर इज कॉल्ड एज इट्स कोवेलेंसी। कोई भी एलिमेंट का एक एटम अपने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है उतनी उसकी क्या होती है? कोवेलेंसी। अब जैसे कल हमने देखा हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे तो उनकी कोवेलेंसी होगी एक, फ्लोरिन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे उनकी कोवेलेंसी होगी एक, इस तरह। अब इसी तरह बच्चों आज हमें एक नया टॉपिक देखना है और ये नया टॉपिक यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा प्रकार, और कोवेलेंट बॉन्ड का जो दूसरा प्रकार है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। वो क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये थोड़ा सा देख लेते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? दो एटम के बीच में ये कब तैयार होता है ये सब हमें यहाँ पे देखना है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और वो है फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। जैसे आपको मालूम है कि हमारे पृथ्वी पर ये जो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट गैस कौन है धरती पर? तो ऑक्सीजन गैस है, और इस ऑक्सीजन गैस के कारण ही हम जीवित रह पाते हैं। ऑक्सीजन गैस के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और इस ऑक्सीजन गैस में हमने देखा कि O2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और एक O2 मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम से बनता है। बच्चों ऑक्सीजन गैस में एक एक सिंगल फ्री ऑक्सीजन एटम आप कभी नहीं देखेंगे, आप ऑक्सीजन गैस में देखेंगे O2 मॉलिक्यूल्स। क्यों? आंसर बहुत सिंपल है, O2 मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन सिंगल फ्री ऑक्सीजन एटम। तो वही अभी हमें देखना है कि क्यों तो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड कैसे रहता है वो भी बात हमें देखनी है। तो लेट अस सी हाउ O2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम द टू ऑक्सीजन एटम। रिएक्शन ऐसे दिखाएंगे हम, ये पहला ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होता है? केमिकली कंबाइन, और हमें ये मिलता है O2 मॉलिक्यूल। अब इस O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम एक साथ रहते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्शन कैसे होता है? 2-6। दूसरा ऑक्सीजन उसका भी एटॉमिक नंबर 8, उसका भी कॉन्फिगरेशन 2-6। दोनों ऑक्सीजन एटम का नियरेस्ट ऋण गैस एलिमेंट जो है वो है 10 नियॉन, और इसका कॉन्फिगरेशन है बच्चों, अब आपको ये याद ही हो गया, बार बार लिखा हमने ये 2-8। अब नियॉन को आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल कॉन्फिगरेशन प्राप्त हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों ऑक्सीजन एटम चाहते हैं
कि उनके भी सेकंड शेल में नियॉन जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उनको भी ऑक्सीजन नियॉन जैसा ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, स्टेबल कॉन्फिगरेशन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं बच्चों, देखो ये देखो, ये पहला ऑक्सीजन एटम, थोड़ा बड़ा निकालता हूँ मैं सिंबल, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ आउटरमोशेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। आउटरमोशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैं ये दिखाता हूँ, 2, 2, 4 और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएं। अब दूसरा ऑक्सीजन देखो, ये देखो 2, 2, 4 और ये 2, 6। अब क्या होगा देखो, अब ये बोलता है कि मुझे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी बोलता है कि मुझे सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। आयनिक बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके इसको दिए, इसके पास 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास 4 ही बचेंगे, फायदा नहीं। ये इसको देगा, ये फायदे में रहेगा, ये घाटे में रहेगा। देखो बच्चों, मैंने कल भी बताया आपको कि मॉलिक्यूल फॉर्म करते वक्त सब एटम, ईच एंड एवरी एटम, ये फायदे में रहना चाहता है, कोई लॉस में नहीं रहना चाहता। अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के चक्कर में क्या होगा, जो लूज करेगा वो घाटे में रहेगा, जो गेन करेगा वो फायदे में रहेगा, लेकिन कोई भी एटम घाटे में क्यों रहना चाहेगा। मतलब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होना तो पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके कोई फायदा नहीं। तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम समझदारी से काम लेते हैं, क्या समझदारी का काम करते हैं, ये देखो, ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, इसके भी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब क्या होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपना पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पहले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे, ये देखो यहाँ पे शेयर पेयर बन गई। पहला ऑक्सीजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयर, और ये दूसरी शेयर पेयर बन गई। ये दोनों शेयर पेयर दोनों ऑक्सीजन के सेकंड शेल को क्या रहती है, कॉमन। अब देखो O2 मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम के सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी दोनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट बच्चों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक एक शेयर पेयर यानी कि एक कोवैलेंट बॉन्ड, दो शेयर पेयर यानी कि दो कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, ये देखो पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, और ये देखो पहली शेयर पेयर यानी पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरी शेयर पेयर यानी दूसरा सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह दो ऑक्सीजन के बीच में दो शेयर पेयर यानी दो बॉन्ड्स बन गए। इसी यही दो बॉन्ड यदि रहते हैं दो एटम्स के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब कैसे तैयार हो गया, अरे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एक ऑक्सीजन एटम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में एक शेयर पेयर बनी, दो शेयर पेयर बनी, ये दोनों शेयर पेयर दोनों ऑक्सीजन के सेकंड शेल को कॉमन रहती है। एक शेयर पेयर यानी एक बॉन्ड, दो शेयर पेयर यानी दो बॉन्ड। तो हम बोलते हैं इस तरह दो ऑक्सीजन के बीच में क्या बना, एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना। क्या बना, एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना। सो हाउ विल यू डिफाइन डबल कोवैलेंट बॉन्ड, वेरी सिंपल, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनादर एटम इज कॉल्ड एज डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय अ डबल डैश। लास्टली आपके लिए एक बार और दोहराता हूं मैं डेफिनेशन, वॉट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म
by the sharing of two electrons of one atom with two electrons of another atom is called as double covalent bond. Is called as double covalent bond. And it is denoted by a double dash. It is denoted by a double dash. Ab bachcho, अगले दो साल या जितने साल भी आप केमिस्ट्री के कांटेक्ट में रहेंगे, दो एटम के बीच में आपको दो रेखाएं दिखी, दो बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड, समझ लो कि उन दो एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। हाँ, इस डबल दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग रहता है, वो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या रहता है, पाई बॉन्ड। आप बोलेंगे सर दोनों बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होकर तैयार हो गए, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक क्यों रहता है, ये सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग रहता है और पाई बॉन्ड वीक। एक्चुअली दोनों अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। अभी मैं आपको डीप में जाके डेप्थ में जाके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस अभी इतना ध्यान में रखना कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड में एक रहता है स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड और एक रहता है वीक पाई बॉन्ड, और वो सिंगल बॉन्ड जो है वो हमेशा रहता है सिग्मा बॉन्ड। और जैसे हम बोलते हैं ना एक से पहले दो, वैसे सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड क्या रहता है, स्ट्रांग। यानी कि डबल बॉन्ड दो एटम को ज्यादा फॉर्मली होल्ड करके रखता है, सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब कोवैलेंसी ऑक्सीजन एटम की क्या है, दोनों ऑक्सीजन एटम ने बच्चों क्या किए, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, क्या किए, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन एटम की कोवैलेंसी कितनी हो गई, दो हो गई। ऑक्सीजन एटम की कोवैलेंसी कितनी हो गई, दो। व्हाट इज कोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट कैन शेयर विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड एज इट्स कोवैलेंसी। तो दोनों ऑक्सीजन एटम बच्चों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, इसलिए उनकी कोवैलेंसी क्या है, दो। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो ये हो गया बच्चों हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं, अभी मैं आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रह सकता क्योंकि कोई माध्यम नहीं, लेकिन नहीं तो बाद में फिर अपन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो मुझे आशा है कि ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लिखते हैं अगली कॉन्सेप्ट, और अगली कॉन्सेप्ट है बच्चों ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगली कॉन्सेप्ट जो है वो है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। चलो देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हम समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। बच्चों दसवीं में आपने सीखा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयरिक चैप्टर में कि वातावरण में, धरती पर वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा किसी गैस का परसेंटेज सबसे ज़्यादा यदि है तो वह है नाइट्रोजन गैस। पूरे एयर में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज होता है 78%। कितना होता है, 78%। और इस नाइट्रोजन गैस में सिंगल एक एक फ्री नाइट्रोजन एटम रहते नहीं, तो क्या रहते हैं, दो दो नाइट्रोजन एटम्स कंबाइन होकर जो N2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो N2 मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन गैस में। आंसर स्वाभाविक है, क्यों N2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बिकॉज N2 मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल दैन सिंगल फ्री नाइट्रोजन एटम्स। तो देखते हैं कि कैसे दो नाइट्रोजन एटम कंबाइन होकर N2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और N2 मॉलिक्यूल फॉर्म करने के चक्कर में कैसे वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब N2 मॉलिक्यूल बच्चों कैसे तैयार होता होगा, अरे एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है और क्या तैयार करता है, N2 मॉलिक्यूल। अब सवाल यह है कि N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम एक साथ क्यों रहते हैं, तो उसका कारण अब हम देखेंगे। इसके लिए बच्चों हमें मालूम चाहिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7।
तो सेव ऑन नाइट्रोजन, क्या होता है इसका कॉन्फिगरेशन 2,5, दूसरा नाइट्रोजन उसका भी क्या होगा 2,5, दोनों नाइट्रोजन का निरेशन गैस एलिमेंट कौन है रे, अगेन नियॉन, इसका भी कौन है नियॉन, नियॉन को सेकंड शेल में स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा कॉन्फिगरेशन क्या रहता है स्टेबल, दोनों नाइट्रोजन बोलते हैं, हमें भी नियॉन जैसा क्या चाहिए स्टेबल कॉन्फिगरेशन चाहिए। दोनों नाइट्रोजन बोलते हैं कि हमारी सेकंड शेल में अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें भी 5 के जगह 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करते हैं ये दोनों नाइट्रोजन एटम, लेट अस सी, ये देखो ये पहला नाइट्रोजन, इसका कॉन्फिगरेशन है 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये 2, ये 3, 4, 5, ये हो गया। ये दूसरा नाइट्रोजन लेते हैं, ये इधर, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2, ये क्रॉस से दिखाएंगे अपन, इलेक्ट्रॉन तो सभी एटम के सेम ही होते हैं, लेकिन हमें दोनों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखाने, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से नाइट्रोजन का है वो पता चलना चाहिए। देखो मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाया क्योंकि नॉर्मली वो हिस्सा लेते हैं सिर्फ। अब देखो क्या होगा, ये पहला नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, ये दोनों के पास ये दो दो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए इसके डॉट से इसके क्रॉस से। अब ये नाइट्रोजन दोनों 8 इलेक्ट्रॉन चाहते अपने सेकंड शेल में, पहला नाइट्रोजन क्या करता है अपना पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है शेयर, एक पहली शेयर पेयर बन जाती है। अब दूसरा, पहला नाइट्रोजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है और ये दूसरी शेयर पेयर बन गई। नाइट्रोजन पहला अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन के तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ और ये तीसरी शेयर बन गई और ये तीनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों नाइट्रोजन एटम के सेकंड शेल को आउटर मोस्ट शेल को क्या रहती हैं कॉमन रहती हैं। देखो पहले नाइट्रोजन के सेकंड शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये देखो N2 मॉलिक्यूल अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये देखो क्या है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये तीनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो दोनों नाइट्रोजन एटम के सेकंड शेल को क्या रहते हैं कॉमन रहते हैं। अब एक शेयर पेयर या अब नेचुरली स्टेबल कॉन्शन मिला, कोई नाइट्रोजन एटम अब दूर नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए इस N2 मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन एटम एक साथ रहते हैं बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दे डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब दिस स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दैट्स वाई दे रिमेन टूगेदर इन दैट स्मॉल सिंपल N2 मॉलिक्यूल। अब एक शेयर पेयर यानी कि एक बॉन्ड, तीन शेयर पेयर यानी कि तीन बॉन्ड, तीन शेयर पेयर यानी कि तीन बॉन्ड, ये देखो। अब दो नाइट्रोजन एटम के तीन बॉन्ड है, इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हुआ, एक नाइट्रोजन एटम ने अपने तीन इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन एटम के तीन इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए, तीन शेयर पेयर दोनों के बीच में बनी, ये तीन शेयर पेयर दोनों नाइट्रोजन के सेकंड शेल को कॉमन रहती है इस तरह, एक शेयर पेयर यानी एक बॉन्ड, तीन शेयर पेयर यानी कि तीन बॉन्ड। तो हम बोलते हैं कि N2 मॉलिक्यूल के अंदर दो नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या बना है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय अ ट्रिपल डैश इन बिटवीन द टू एटम्स। कभी भी आप देखो दो एटम्स के बीच में ट्रिपल डैश दिखी कि आप समझ लो कि उन दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों एक रहता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और दो जो रहते हैं वो वीक पाई बॉन्ड रहते हैं, तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड रहता है और दो वीक पाई बॉन्ड। आपके मन में सवाल आएगा सर एक स्ट्रॉन्ग एक दो वीक क्यों, वजह है ये सिग्मा और पाई बॉन्ड भली वो कोवेलेंट बॉन्ड है भली वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तैयार होते होंगे बट दे फॉर्म इन डिफरेंट मैनर्स। वो तरीके कौन से जिससे फॉर्म होते हैं ये सब हम
अल्किन्स में अल्काइंस में देखने वाले। अब इसके बारे में आप ज़्यादा लोड मत लो कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों वो वीक क्यों, है तो तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है ना, एक स्ट्रॉन्ग क्यों बाकी दो वीक क्यों, इसके बारे में अभी सोचना नहीं है हमें। इसलिए मैंने बताया कि ये देखिए कहीं पर सुना आपने तो आपको मालूम चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा अरे सर ने तो बताया नहीं, हालांकि एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड बताने का अभी समय भी नहीं। तो क्या करेंगे आप, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम विथ थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनादर एटम इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज डोनेटेड बाय अ ट्रिपल डैश। और बच्चों ध्यान में रखना, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग रहता है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग रहता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी इनकी जो स्ट्रेंथ है ताकत है वो बढ़ती जा रही है। सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड एटम्स को ज्यादा फर्मलो करके रखता है और इन दोनों की तुलना में ट्रिपल बॉन्ड एटम्स को और भी ज्यादा फर्मली होल्ड करके रखता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन एटम की कोवैलेंसी, दोनों नाइट्रोजन एटम ने अपने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए रे, देखो तो तीन तीन, तो दोनों नाइट्रोजन एटम की कोवैलेंसी कितनी हो गई, तीन हो गई। इस तरह हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन एटम की कोवैलेंसी कितनी है, तीन है। सो वंस अगेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम विथ थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनादर एटम इज कॉल्ड एज सिंगल, इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल ईच नाइट्रोजन एटम शेयर्स इट्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनादर नाइट्रोजन एटम, हेंस वी से दैट द कोवैलेंसी ऑफ बोथ द नाइट्रोजन एटम्स इज थ्री, द कोवैलेंसी ऑफ बोथ द नाइट्रोजन एटम्स इज थ्री। ओके, तो मुझे लगता है कोवैलेंट बॉन्ड के तीनों प्रकार आपको क्या हो गए, समझ में आ। हमारी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट हो गई। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बताता हूं 5 मिनट में कि हो गया फिर हमारा ये लेक्चर। अब हम एक और छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और वो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है, मीथेन गैस में मीथेन मॉलिक्यूल्स कैसे क्या रहते हैं, क्यों एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम एक साथ रहते हैं, क्या फायदा है इन एटम्स का एक साथ रहने में मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर, वो बच्चों अभी हमें देखना है। देखिए मीथेन मॉलिक्यूल में सेंटर में रहता है कार्बन, आपको मालूम है, और आजू बाजू में रहते 4 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 6, इसका कॉन्फिगरेशन है 2-4, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसका कॉन्फिगरेशन है 1। अब देखिए कार्बन का नियरेस्ट रेड गैस एलिमेंट है नियॉन, इसका कॉन्फिगरेशन है 2-8, और हाइड्रोजन का नियरेस्ट रेड गैस एलिमेंट है हेलियम और इसका कॉन्फिगरेशन है 2। इसका कॉन्फिगरेशन क्या है बच्चों, 2। कार्बन चाहता है कि उसके सेकंड शेल में 4 के जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे उसको स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिलेगा, और हाइड्रोजन को लगता है कि उसके फर्स्ट शेल में 1 के जगह हेलियम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसको भी लगता है चारों हाइड्रोजन एटम्स को कि उनको भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल जाए। अब कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम देखो कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। ये देखिए ये हमारा कार्बन एटम है, देखिए ये हमारा कौन है कार्बन एटम, ये देखिए ये 4 उसके इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के। अब हाइड्रोजन क्या करते, 4 चारों हाइड्रोजन अपना एक एक ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ क्या करते हैं शेयर, और देखो ये शेयर पेयर बनी, ये भी बनी, ये भी बनी, ये भी बनी। अब ये शेयर पेयर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के आउटर शेल को कॉमन रहती हैं, देखो क्या हो गया,
देखो ये ध्यान से देखो, देखो अब कार्बन के सेकंड शेल में पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे ये क्रॉस वाले, लेकिन अब कितने हो गए देखो, देखो देखो कितने हो गए, 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का फायदा हो गया, नियॉन जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके सेकंड शेल में। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी कहीं पे नुकसान नहीं हुआ, फायदे में है, चारों हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में हेलियम जैसे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी देखो बच्चों ये एटम कितने समझदार है, इंसान से भी ज्यादा समझदार है, सब एटम्स का फायदा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब एक शेयर पेयर यानी एक सिंगल बॉन्ड, तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, शेयर पेयर के जगह सिंगल बॉन्ड दिखाओ, शेयर पेयर के जगह सिंगल बॉन्ड, शेयर पेयर के जगह सिंगल बॉन्ड, शेयर पेयर के जगह सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह ये बच्चों तैयार हो गया हमारा मीथेन मॉलिक्यूल, कौन तैयार हो गया हमारा मीथेन मॉलिक्यूल। अब ये टू डायमेंशनल पिक्चर है बच्चों, ये है इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, देखो ये सेंटर में कार्बन रहता है, देखो सेंटर में ये कार्बन रहता है बराबर, ये देखो सेंटर में कार्बन, ये हाइड्रोजन छोटे छोटे गोल, और ये जो व्हाइट स्टिक्स दिख रही ये क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है, क्या है बच्चों ये सिंगल बॉन्ड्स है बराबर है, इस तरह ये एक्चुअल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मीथेन मॉलिक्यूल एक्चुअल में ऐसा रहता है। अब हमारा बोर्ड रहता है बच्चों टू डायमेंशनल, उस पर हम ऐसा दिखाते हैं, आ गया समझ में। तो इस तरह अब कार्बन एटम ने बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए रे, 4, तो हम बोलेंगे कि कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है, 4 है, और चारों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हाइड्रोजन एटम की कोवैलेंसी कितनी होगी, 1 बराबर, कार्बन की कोवैलेंसी 4 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा, चारों हाइड्रोजन एटम की कोवैलेंसी 1 1 1 क्योंकि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब देखो अब तक H2 F2 N2 O2 इनमें क्या, इन मॉलिक्यूल्स में क्या थे, जो भी एटम्स थे वो एक ही एलिमेंट के थे, तो उनको हम एलिमेंट्स ही बोलेंगे, वो एलिमेंट्स है H2 O2 N2 F2। लेकिन इसमें देखिए इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन, बराबर है कि नहीं, तो हम मीथेन को बोलते हैं कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एटम केमिकली कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस इन्होंने फॉर्म किया, तो ये हो गया कंपाउंड, और इस कंपाउंड में एटम्स एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड्स से जुड़े हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर, जिनके मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड के कारण एक साथ रहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो कितना आसान है रे बच्चों, व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी कि जिन कंपाउंड्स में एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड के कारण एक साथ रहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो मीथेन ये कोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड्स रहते हैं, वैसे कोवैलेंट कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स रहते हैं। तो बच्चों यहां पे हमने फिनिश किया हमारा ये टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के बच्चों हमारे दोनों प्रकार हो गए, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम यहां पे ठहरते हैं।